कल ही यानी 19 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार को समय 12 बजे सोए हुए मुख्यमंत्री महोदय को जगाने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए हम लोग पहुँचेंगे जी। अभी हम लोग वार्ता करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे टाइगर जयराम जी भी आए। बात हुई थी जयराम महतो से? दादा से बात हुई, बीमार थे, बोले कि प्रयास करेंगे आने का, लेकिन अगर बीमार की वजह से नहीं पाए तो हम 22 के बाद आएंगे। रांची के मोराबादी मैदान में झारखंड सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन सिर्फ इन्हीं का नहीं रहा, अब इसे हर तरह के लोग और वर्ग और संगठन के लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है। बीते दिनों JBKSS के प्रमुख जयराम महतो आए थे, उसके बाद अमित महतो हैं आए यहाँ पे, जो पूर्व विधायक हैं सिल्ली के, और उसके बाद आज यहाँ पे JBKSS के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो पहुँचे हुए हैं। देवेंद्र जी से हम जानना चाहेंगे कि JBKSS के लोग इस आंदोलन से किस तरह से अपना करीबी महसूस करते हैं और किस तरह से आप लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, बात करें देवेंद्र नाथ महतो का या JBKSS का, झारखंड प्रदेश के आम आवाम जानते हैं कि आंदोलन का उपज है, तो हम लोग अपना कर्तव्य पथ पर अटल रहते हुए महज आंदोलन का नैतिक समर्थन नहीं बल्कि सशरीर उपस्थित होकर कंधा से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इस लड़ाई के लड़ने के दौरान चाहे इस बदन पे पुलिसिया लाठी को झेलना पड़े या आंसू गैस को सामना करना पड़े या वाटर कैनन को सामना करना पड़े या पुनः हटवार तक का सफ़र करना पड़े या जंगल झाड़ में अपना रात बिताना पड़े, हर वो चीज़ मेरे साथ साथ करने के लिए तैयार है। इसीलिए आज यहाँ उपस्थित होकर आपका चैनल के माध्यम से पुनः हम घोषणा करते हैं कि ज़्यादा समय न लेते हुए, चूँकि 17 दिनों से ऐतिहासिक मोराबादी मैदान झारखंड की राजधानी रांची के बीचों बीच डटे हुए, लेकिन आसपास मुख्यमंत्री आवास रहते हुए अभी तक जो है कि लोग का कान में जू तक नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग ज़्यादा वक्त न लेते हुए कल ही यानी 19 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार को समय 12 बजे सोए हुए मुख्यमंत्री महोदय को जगाने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए हम लोग पहुँचेंगे। और कल का दिन इतिहास के पन्नों पे सदा याद रखा जाएगा। कल हम लोग हर हाल में मुख्यमंत्री आवास पहुँचेंगे। कल धरती का कोई ताकत मुख्यमंत्री आवास तक पहुँचने के लिए नहीं रोक सकती है, सरकार जितना ताकत लगाना है लगा दे। ये युद्ध का ऐलान जैसा है, क्या इस आंदोलन से ज़्यादा बढ़कर इनकी बातें जो है जो बहुत पुरानी है उनको मनवाना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर ये आंदोलन का बड़ा होना, लाठी चलना, आंसू गैस चलना, वो ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, अगर हम तो कच्चा थे कि आज शाम में मान जाए ना सुबोधदा, कल हम लोग नहीं जाएंगे। आज शाम में सरकार आए, वार्ता करे, हमारे अस्थाई कर दे, मांग पूरा कर दे, हम लोग कल किसी को मज़ा आता है क्या छोटा छोटा दूध मुहा बच्चा लेकर के भारी बरसात में पिछले 17 दिन पे यहाँ रहने के लिए? ये सरकार तो यहाँ मूवी का ड्रामा करवा रहा है, जैसे मूवी रिलीज नहीं होता, डायरेक्टर लोग करते हैं गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3 रिलीज जो है कि स्टेप बाय स्टेज। अरे 7 सालों से आंदोलन चल रहा है, 7 साल से वैसे क्षेत्र पे सेवा दे रहे हैं, जो एक तो झारखंड नक्सली क्षेत्र में सबसे प्रभावित नक्सली क्षेत्र जो 12 जिला खूंटी गुमला लोहरदगा लतेहार चाईबासा सिंहभूम चतरा पलामू गढ़वा, यह जान में जोखिम में डाल करके दिन हो या रात हो, आंधी हो या तूफान हो, अब जो है कि ईमानदारी पूर्वक वफादारी पूर्वक अपना वर्दी का सम्मान को रखते हुए ड्यूटी किया है। 12 जवान शहीद हुए हैं, उनको कोई पूछने तक नहीं किया है। 7 साल में 7 पैसा नहीं बढ़ा है, 70% महंगाई बढ़ गया, ये लोग लगातार वेतन भत्ता मुख्यमंत्री का विधायक का बढ़ा रहे हैं, पूर्व विधायक का भी वेतन बढ़ा रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री बिना कुर्सी का जेल से निकल करके 2 दिन रह नहीं सकते हैं। ये जो कल का आंदोलन होगा, ठीक है, बहुत बड़ा होगा मानते हैं, तो क्या इसमें टाइगर जयराम महतो जो आपके पार्टी के जो प्रमुख हैं वो भी रहेंगे? क्योंकि पिछले बार जब वो यहाँ आए थे तो बोले थे कि हमको पहले बता दीजिएगा तो हम यहाँ ज़रूर रहेंगे। जी, अभी हम लोग वार्ता करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे टाइगर जयराम जी भी आए। और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि JBKSS का JSSU समेत जितना भी आंदोलनकारी संगठन है सभी कोई कल आवें, राज्य के तमाम आम आवाम किसान मजदूर छात्र नौजवान सभी को आए, चूँकि नेता लोग जिस प्रकार गठबंधन महागठबंधन बना करके
सत्ता का कुर्सी में बैठ करके यहाँ अपना मालामाल होते हैं, लूटते हैं, उसी प्रकार अपना हक की लड़ाई के लिए जिस प्रकार जैसे अभी तक अलग अलग पारा शिक्षक अलग लड़ाई, JSSC CGL अलग लड़ाई, JPSC अलग लड़ाई, सहायक पुलिस अलग करवाए, हम लोग भी समायोजन कर रहे हैं, सबका समन्वय कर रहे हैं और सभी कोई कल जो है कि पहुँचे, मेरा अपील है, निवेदन है और सभी कोई चट्टानी एकता का पहचान दे, चूँकि यह लड़ाई सिर्फ सहायक पुलिसकर्मी की हक की लड़ाई सिर्फ सहायक पुलिसकर्मी की लड़ाई नहीं है, चूँकि यह लड़ाई राज्य के युवाओं के साथ धोखा के विरुद्ध का लड़ाई है। सब आएंगे, जयराम महतो आएंगे या नहीं, क्या बात हुई जी? अभी सहायक पुलिसकर्मी वार्ता किए थे, वार्ता अभी उन्होंने किए थे, बात हुए थे, स्पष्ट रूप से अभी हमारा वार्ता नहीं हुई है, तो वार्ता हम करेंगे अभी। क्या बात हुई थी जयराम महतो से? दादा से बात हुई, बीमार थे, बोले कि प्रयास करेंगे आने का, लेकिन अगर बीमार की वजह से नहीं पाए तो हम 22 के बाद आएंगे। टाइगर बीमार पड़ जाता है, कैसा टाइगर? देखिए ये तो एक शरीर है, शरीर में ऊपर नीचे होते रहता है, समय समय का बात है, इस पर हम क्या कहें। ये जो आंदोलन है आपका पहली दफ़ा नहीं है, ये जो वर्दी इंसाफ है ये तीसरी दफ़ा है और पहला इस तरह का आंदोलन भी नहीं है। कई बार आप इस तरह का CM आवास घेराव किए, आंसू गैस चले हैं और लाठियां पड़ी हैं, तो ये आपका जो आंदोलन है रांची में अभी 18 दिन से चल रहा है, 18वां दिन आज है, तो कितना आप लोग का जो मांग है वो जायज है और ये इसके नहीं पूरा होने से किस तरह के परिस्थितियों का आप लोग को सामना करना पड़ रहा है? परिस्थिति जीवन और मरण का है, क्योंकि 7 वर्षों में समय दे दिया, जवानी दे दी, आयु सीमा समाप्त हो गए, लगभग लगभग पठन पाठन से भी आदमी दूर हो गया, विभाग का इस पुलिसिंग का स्किलिंग है जो पुलिसिंग में ही उपयोग हो सकता है, इस स्किल का प्रयोग आप कहीं नहीं कर सकते। तो सरकार यदि मानती नहीं है, समझती नहीं है, सोचती नहीं है, तो हम समझते हैं कि 2,000-2,500 जवानों को एक नर्क में डालने का समय, मैंने नर्क में डालने के समान लाकर खड़ा कर देगी और उनको न घर के बचेंगे न घाट के, समाज में भी नहीं रहेंगे, विभाग में नहीं रहेंगे, उनको या तो आत्महत्या करना होगा या तो फिर इसके अलावा कोई विकल्प नहीं, या तो लड़ के हक के लिए मरना होगा, यदि नहीं लेते हैं तो उधर आत्महत्या करना होगा, क्योंकि पुलिस विभाग में रहते हुए आप नक्सली की नज़र में भी आ गए हैं, उससे भी दुश्मनी ले लिए हैं, शहर के अपराधी के नज़र में आ गए हैं, उससे भी दुश्मनी ले लिए हैं, और विभाग ही आपको धुखार दे रहा है, तो आप न किसी का आप नहीं हुए, आपको या तो आंदोलन में मरना होगा, या तो अपराधी से मरना होगा, या नक्सली से मरना होगा, या तो आत्महत्या करना होगा। इसके पहले जो आंदोलन हुए, अधिकारी यहाँ पर आश्वासन आके दिए, मंत्री भी मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बन के आए, वो भी आश्वासन दिए, तो ये जो अभी का जो लड़ाई है कितना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, और मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि बातचीत का सारा रास्ता खुला है, तो फिर समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? वो हम लोग के जहाँ तक छोटा मोटा अनुभव है, या तो वोट बैंक की दृष्टि से देख रहे होंगे, या तो एक पिछड़ा इलाका, भौगोलिक रूप से पिछड़ापन, आर्थिक रूप से पिछड़ापन, सामाजिक रूप से पिछड़ापन, शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन, लगभग 2,000 ऐसे 2,500 जवान ऐसे जगह से आते हैं जहां सिस्टम में आने के बाद हम लोगों ने मीडिया देखा, पुलिस देखी, सिस्टम देखा, नेता देखा, वहां न कोई नेता जाता है, न कोई मीडिया जाता है, न कोई वहाँ राज का होता है, समाज का होता है, नेता होता है, कुछ पता नहीं चलता है। तो इस कमी को उन्होंने ताकत समझ लिया है। काश आज अगर हम पॉलिटिशियन के बेटा होते, IAS IPS के बेटा होते, बड़े बड़े उद्योगपति के बेटा होते, तो शायद केवल बात से ही हमारा समाधान हो जाता। अभी देखिए पिछले बार जब पॉलिटिशियन का वेतन बढ़ा तो कहाँ धरना पर बैठे थे, कहीं धरना पर नहीं तो सुने, बड़े बड़े उद्योगपति के जब लाखों करोड़ों माफ होते हैं कर्ज, तो उन लोग तो धरना पर नहीं बैठता है कि हम धरना पर बैठे हैं, मेरा कंपनी कर्जा में चल गया, माफ़ कर दीजिए। गरीब के बच्चा, गरीब के चाहे पुलिस हो, मजदूर हो, किसी भी स्तर के हो, यदि आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक रूप से आप गरीब है, पिछड़ापन है, तो दुनिया में आपका कहीं जगह नहीं है। आपका यही उपाय है, संगठित होइए, शिक्षित होइए और संघर्ष कीजिए, और संघर्ष ही आपको एक उचित मान सम्मान और आजीविका जीवन दिला सकता है, न तो आपका हमारे समस्या और कोई आपके पास रास्ता नहीं। देवेंद्र, आप लोग इन लोगों का साथ दे रहे हैं, JB केसेस दे रहा है,
इसका अगुवाई आप करेंगे या फिर आपके साथ जेबी केसेस के और भी लोग रहेंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो बीमार हैं, बाकी लोग ठीक होंगे? मनोज यादव हैं, संजय मेहता हैं, बेबी महतो हैं, कौन कौन लोग यहाँ पर होंगे? हम तो अपील किए हैं कि पूरा टीम रहे, पूरा टीम को हम आमंत्रण किए हैं। अभी हम बात करके पर्सनली सबको बुलाएंगे भी, और सबको को आना है और आना चाहिए। यही इसीलिए हम लोग का उपज ही हुआ है, आंदोलन से पहचान बना है। आंदोलन ही नहीं करेंगे तो जनता का विश्वास कैसे रहेगा? इसलिए हम अपील करेंगे, फिर से करते हैं, और हम बात भी करेंगे, और आना चाहिए और आना है, और कल रहेंगे सब कोई। चलिए, आप दोनों का लोकल खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे देवेंद्र नाथ महतो से और सहायक पुलिसकर्मियों से। जेबी केसेस का साथ अब सहायक पुलिसकर्मी के आंदोलन को भी मिल रहा है। टाइगर जयराम महतो यहाँ पर नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनका जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। हालांकि ये देवेंद्रनाथ महतो कह रहे हैं कि बाकी जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो 19 तारीख का जो आंदोलन है वो काफ़ी व्यापक होगा और सरकार के लिए सरदर्द हो सकता है। यहाँ की हर रिपोर्ट आप तक पहुँचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।